बेगुनाहों के कातलों के खिलाफ, मौत के सुधागरों के खिलाफ लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। बम गोलियां 10 चले, 20 चले खाए हैं, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये मौत के सुधागर थे हैं, और लड़ूंगा। और पूछ जेड़े लोग शहीद हुए, कभी वो कभी उनके घर में गए आप? देवेंद्र पाल भुल्लर, जिसने दिल्ली में ब्लास्ट किया मेरे ऊपर, ऐदा नहीं, ऐदा नहीं, मेरे नाल ऐदा नहीं गल कर सकोगे। जो मौत के सौदागर कहोगे, मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, मौत के सौदागर कहोगे या नहीं कहोगे, जिन्होंने बहनों के सुहागों को उजाड़ा, बच्चों को यतीम किया, ट्रेनों से निकाल करके बेगुनाह लोगों का, मौत के सौदागर कहोगे या बंदी से कहोगे? जो भारतीय संविधान ने सजा दी है उनको, वो सजा भुगत चुके हैं। जेड़े लोग शहीद हुए, कभी कभी उनके घर में गए आप? मैं आपने सवाल पूछने का अधिकार है, मुझे सवाल पूछने का अधिकार नहीं। मैं आज शहीद, ये जो शहीद हुए आज, सरदार साहब मेरी बात गल सुनो, मैं तुसी मेरे सवाल का जवाब दो। भारत ने सजा दिती भुग चुके। देवेंद्र पाल भुल्लर, जिसने दिल्ली में ब्लास्ट किया मेरे ऊपर, ऐदा नहीं, ऐदा नहीं, मेरे नाल ऐदा नहीं गल कर सकते। मेरे नाल जे तुसी लछदा कह रहे हो, मैं खालिस्तान जिंदा पर तुसी कह रहे हो फिर मैं सवाल का जवाब दो ना। जिन्होंने 38 लोगों को दिल्ली में शहीद किया, उन बेच ना बोले हो, बेगुनाह लोगों को मार दिया है ना, उसके लिए देवेंद्र पाल भुल्लर को फांसी की सजा हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टियां उनको बचा देती हैं, क्या वो क्या है, कातिल नहीं है? क्या वो कातिल नहीं है? उसको छोड़ दिया जाए क्या? छोड़ना या रखना, हाँ, उनका काम है ना। कानून ने तो अपना काम किया ना। कौन सा कानून का काम किया? नहीं, आप जो भारतीय जो भारतीय संविधान है, भारतीय कानून, उसको नहीं मानते आप? क्या आप क्या कहना चाहते हैं? कह रहा हूं, उन्होंने आप किया, ठीक है, गुनाह किया उन्होंने, दोषी लोगों को मारा उन्होंने, मारा भारतीय संविधान से दी उनको, कोई उनकी, देखो बात सुनो, उसको आप बंदी सिख कहोगे या मौत के सौदागर कहोगे? मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ। अरे मैं आपको सवाल पूछ, अरे आप वो बात नहीं कर रहे, मैं आपकी, आप मौत के सौदागर कहोगे या नहीं कहोगे, जिन्होंने बहनों के सुहागों को उजाड़ा, बच्चों को यतीम किया, ट्रेनों से निकाल करके बेगुनाह लोगों का, मौत के सौदागर कहोगे या बंदी सिख कहोगे? आप एक पत्रकार हो, जवाब दो। फिर आप दोबारा सवाल पूछो, क्या उन मौत के सौदागरों को सजा होनी चाहिए या छोड़ना चाहिए? पूछो, मैं जवाब देता हूँ। सजा तो ऑलरेडी भुगत चुके हैं वो, कौन सजा? वो तो सजा के बाद जेल में बंद है ना, मतलब तो ये इस बात क्या है, उसको जबरदस्ती बंद करके रखा है? हाँ तो है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, इसी की बात। आप किसी शहीद, आप किसी शहीद परिवार के घर गए हैं जिनको शहीद किया? आप कभी गए हैं शहीदों के प्रोग्राम पे? आए हो? अरे आप प्रोग्राम पे आए तो सवाल पूछ रहे, कारगिल का सवाल पूछो ना। अरे कारगिल के शहीदों का सवाल पूछो ना, दीनानगर में जो शहीद हुए उनका सवाल पूछो ना। ये बंदी से कहां से आ गए? एक मिनट, ना ना पाजी, ना 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 ना, एक मिनट ठहर यार, ना सवाल का जवाब दूंगा, ठोक के दूंगा इनको, ना ना जवाब तो मैं, तुसी कारगिल से सवाल पूछे, बी एस एफ दे ऑफिसर आए, सारी फोर्सेस आई, तुसी को उन्होंने श्रद्धांजलि का सवाल पूछे? इन्होंने सब तो पहला, इन्होंने आके कार, आप आके चढ़ के बंदी सिख, ज्यादा हमदर्दी है मौत के सौदागरों की? मां का सुनो मेरी गल, और मेरी सुनो ना, बेगुनाहों के कातलों के खिलाफ, मौत के सौदागरों के खिलाफ लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। बम गोलियां 10 चले, 20 चले खाए हैं, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये मौत के सौदागर थे हैं, और लड़ूंगा। और